जंगल में भूतों का साया, मेरा बाबू ने खाना खाया। माल लाया? हाँ लाया। जैसा कि आपने देखा पेट्रोल की महंगाई को लेकर कैसे हो रहा है पेट्रोल का सरेआम कालाबाजारी, और इसी का फायदा उठा रहे हैं कुछ चंद लोग। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू रंगीला और आप देख रहे हैं भोकाल न्यूज। और आज के इस एपिसोड में निकलेगा पेट्रोल की महंगाई का भड़ास, क्योंकि हम सब है मिडिल क्लास। तो चलिए सबसे पहले इन महाशय से करते हैं कुछ बातचीत। पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो चुका है, इसके ऊपर क्या राय है आपका? इसमें राय देने की क्या बात है, जो हो रहा है अच्छी तो है, पर आप ठहरे मीडिया वाले, आपका तो काम ही है हर काम में बुराई ढूंढना। हाँ तो बताइए क्या अच्छा हो रहा है। अरे सब पेट्रोल के पीछे पड़ा है, आप ये भी तो देखिए इससे हमारा पॉल्यूशन कितना कम हो रहा है। मतलब अरे देखिए, जब पेट्रोल महंगी होगी तब गाड़ी भी कम चलेगी, जब गाड़ी कम चलेगी तब पॉल्यूशन भी कम होगा, जब पॉल्यूशन कम होगा तब यहाँ से आईफेल टावर भी दिखेगी। आप लॉजिक समझिए। अच्छा, मतलब पेट्रोल महंगी होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं, हम पहले भी फुल टंकी करवाते थे, आज भी फुल टंकी करेंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया, जाइए। एक तरफ बीवी ने घर पे आग लगा के रखा है और दूसरी तरफ पेट्रोल की महंगाई पे आग लगी पड़ी है। तो जैसा कि आपको देख के लग रहा है आप बहुत ही गुस्से में है, वजह क्या है? अरे क्या बताओ भाई साहब, चारों तरफ लूट मचा के रखा है। अच्छा, तो आप भी इस महंगाई से खुश नहीं है? अरे खुश के चक्कर में ही तो बीवी को बोल दिया था कि दोनों मिलकर लद्दाख घूमेंगे बाइक पे बैठ के, लेकिन अब लद्दाख क्या, ललन की दुकान तक नहीं जा पा रहे हैं। मतलब आप भी बहुत ही परेशानी में हैं। परेशानी आपने अभी सुनी कहाँ, अगली महीने बेटी की शादी है और लड़के वालों ने मांग कर दी 50 लीटर पेट्रोल की, अब बताओ कहाँ से लाऊं इतना सारा पैसा। कभी कभी लगता है एक गाड़ी बेच के ना भैंस खरीद लूं, दूध भी देगी और दूध के साथ साथ बिना पेट्रोल की माइलेज भी देगी। बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दो लोगों में कुछ बात को लेकर बहस चल रही है, तो आइए जानते हैं क्या वजह इस बहस की। तो आपका क्या प्रॉब्लम है? क्या बताऊं सर, 20 रुपए फुल टंकी मांग रहा है सर। 20 रुपए फुल टंकी, क्या प्रॉब्लम है आपका? आप चेहरा क्यों छुपा रहे हैं, चेहरा दिखाइए। हम पहले भी फुल टंकी करवाते थे, आज भी फुल टंकी करेंगे। आप तो वही है ना जो थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया था, मतलब मीडिया से झूठ बोल रहे थे, कैमरे के सामने झूठ बोल रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मीडिया के सामने जो 30 40 मार्का बनेगा उसकी मार दी जाएगी। आपसे फिर से मिलेंगे दूसरे नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए अलविदा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just